आप देख रहे हैं KSN 24, पल पल की खबर। दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में चिरमिरी के डोमन हिल में पुलिस प्रशासन द्वारा शांति समिति की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में कोरोना महामारी के कारण किस तरह से नवरात्रि दुर्गा पूजा मनाना है, इस संबंध में शासन के निर्देशानुसार चिरमिरी के सभी दुर्गा पंडालों के समिति अध्यक्ष को बुलाकर समझाइश दी गई। जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर पंकज शुक्ला द्वारा व कोरिया कॉलरी के चौकी प्रभारी राकेश शर्मा ने दुर्गा पूजा समिति व पंडालों के सभी अध्यक्षों व आम नागरिक गण से कोरोना महामारी में किस तरह से पूरे साल भर का त्यौहार दुर्गा पूजा नवरात्रि को मनाना है, इस संबंध में बैठक बुलाकर सबको सुझाव दिया गया। चिरमिरी क्षेत्र के सभी दुर्गा पूजा पंडालों में किस तरह की सावधानी बरतना है, मूर्ति की ऊंचाई 5 फीट से 6 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मूर्ति स्थापना वाले पंडाल का आकार 15x15 फीट से अधिक न होना चाहिए, पंडाल के सामने कम से कम 2000 वर्ग फीट की खुली जगह हो, पंडाल एवं सामने 2000 वर्ग फीट खुला जगह में कोई भी सड़क अथवा गली का हिस्सा प्रभावित ना हो, एक पंडाल से दूसरी पंडाल की दूरी 250 मीटर से कम ना हो, किसी भी एक समय में पंडाल एवं सामने मिलाकर 20 व्यक्ति से अधिक ना हो, किस स्थान पर मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति एवं रजिस्टर संधारित रहेगी, मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति 2 CCTV कैमरा लगवाएं, मूर्ति दर्शन अथवा पूजा में शामिल होने वाले कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के ना जाए, ऐसा पाए जाने पर संबंधित समिति के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी, मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति द्वारा सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीमीटर, हैंड वॉश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी, व्यक्ति अथवा समिति द्वारा फिजिकल डिस्टेंस आगमन एवं प्रस्थान की पृथक से व्यवस्था बांस बल्ली से बैरिकेड्स कराया जाएगा, यदि कोई व्यक्ति जो मूर्ति स्थापना स्थल पर जाने के कारण संक्रमित हो जाता है तो इलाज का पूर्ण खर्च मूर्ति स्थापना करने वाला व्यक्ति अथवा समिति द्वारा किया जाएगा। कोरोना महामारी का प्रकोप चारों ओर फैला हुआ है और इस दौरान चूंकि ये त्यौहार उत्सवों का समय है, अभी दुर्गा उत्सव का जो नवरात्रि प्रारंभ हो चुका है और इस दौरान जो भी समितियां दुर्गा प्रतिमा की स्थापना कर रही हैं, पंडाल वगैरह निर्माण कर रही हैं, उनके लिए गाइडलाइन जारी किए गए हैं कलेक्टर महोदय के द्वारा, शासन के द्वारा, उन सभी गाइडलाइन से अवगत कराने के लिए सभी समितियों के सदस्यों को, समिति के लोगों को और कोरिया क्षेत्र के सभी जिले के सभी स्थानों में आज मीटिंग का आयोजन किया गया है। उसी क्रम में आज कोरिया चौकी क्षेत्र के सभी समिति सदस्यों को बुलाया गया था और उन्हें इस संबंध में जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनसे अवगत कराया गया है कि पंडाल में उन्हें कितने लोगों को अलाउ करना है, कितना बड़ा पंडाल बनाना है, कितनी बड़ी मूर्ति रखनी है, सभी तरह के जो गाइडलाइन है उनसे उनको अवगत करा दिया गया है ताकि किसी भी तरह के अपनी स्थिति निर्मित ना हो, भीड़ भाड़ जमा ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके और जो कोरोना का महामारी है उसके प्रसार को रोक सके और साथ ही साथ उत्सव अपना मना सके। तो हम उत्सव मनाने के दौरान किसी तरह के वायरस के प्रसार को बढ़ावा ना मिले इसलिए गाइडलाइन जारी किए गए हैं और आज गाइडलाइन से समिति के सभी लोगों को अवगत करा दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, KSN 24 न्यूज़।